गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं राकेश कुमार यादव, मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा 125.99। तो 125.99 की जगह अपन 126 लिख सकते हैं। माइनस 35.92 की जगह आ जाएगा 36 लिख सकते हैं। प्लस 3.89 की जगह अपन 4 लिख सकते हैं। इंटू 16.11 की जगह 16 आ जाएगा, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 126 में से 36 चला जाएगा 90, प्लस 16 × 4, 16 को 4 से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 को 4 से 16 चौका 64, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 90 और 64 154 राइट आंसर है, धन्यवाद। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, √144 प्लस √0.0169 माइनस √4.41। √144 का मान आ जाएगा 12 प्लस 0, इसका मान आ जाएगा 0.13, माइनस इसका मान हो जाएगा 2.1। तो 12.13 माइनस 2.1, तो इसका मान आ जाएगा 10.03, इसका राइट आंसर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 12 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन, तो डी बराबर कितना है 12 सेमी, आर बराबर हो जाएगा 6 सेमी। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4/3 × π का मान 22/7 × 6 × 6 × 6, तो 3 से चला जाएगा 2 बार। पाई का मान इसका 22/7 की जगह पाई रख लेते हैं। 36 × 8π, तो 36 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 288 πcm³। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 2000 में मीनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2000 में मीनू की आयु उसकी बहन की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। मोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी इसकी बहन की आयु? बहन की आयु अगर मोनू की अगर आयु 3 अक्ष है, तो उसकी बहन की आयु थी अक्ष पर्सन के हिसाब से 2010 अक्ष प्लस 10 प्लस 24 वर्ष अधिक है, तो 24 10 वर्ष बाद 24 बराबर 3 अक्ष प्लस 10, 3 अक्ष प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3 अक्ष माइनस अक्ष बराबर 24 10 34 माइनस 10, तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर 24/2 = 12। 12, तो 2010 में मोनू की आयु हो जाएगी 12 × 3, 36 वर्ष। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, हल कीजिए 5 अक्ष माइनस 3, 5 × 10 अक्ष माइनस 6 + 3 × 9 अक्ष माइनस 5 = 15 = 93, 10 10 और 9 19 अक्ष माइनस 21 = 93, 19 अक्ष = 93 + 21 अक्ष बराबर हो जाएगा 114/19, ये चला जाएगा इससे 6 बार में। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण 5 द्विघातीय समीकरण 6 − 5 x² - 8 = 0 का 6 − 5 x² - 8 x = 0 के मूलों का गुणनफल, तो यह समीकरण हो जाएगा −5 x² - 8 x + 6 = 0। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a,
सी का मान हो जाएगा 6 बटा ए का मान हो जाएगा माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 6 बटा 5। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, 30 + 3 = 0 + 3 - 2 + 3 - 1 = 27, तो हो जाएगा 1 + 1/9 + 1/3 × 27, तो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 9 + 1 + 1 + 3 × 27, 9 × 10 = 13 13 / 9 × 27, 27 × 9 = 3 × 3 = 39। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती है, समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए समय और कितने मिनट लगेंगे। तो 50 दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, 50 × t + 10 = 60 × t + 5, तो हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0, 6t - 5t = 50 - 6 = 30, तो हो जाएगा t = 20, 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु के उत्पादन की लागत 2000 थी, उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक जाने में 10% खर्च करना पड़ा, तो 2000 से कितना हो गया 2200, 10 + 10%, शोरूम से वह उत्पाद उस कीमत पर बेचना है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन परिवहन में की गई कुल लागत से 15% अधिक है, कुल लागत से 15% अधिक, मतलब इसका 15% तो 2200 का 15% हो जाएगा, 2200 का 15% 2200 का 15% हो जाएगा 330, 330 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये 200 था 10%, ये हो जाएगा 330, 330 तो ये हो जाएगा 2530 उसका मूल्य पर बेचना होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ, मतलब 100% की वस्तु है उस पर 30% की छूट, -30% कितना हो गया 70%, ये हो जाएगा 30% छूट 70, तो वह 10% का लाभ कमाता है, मतलब 100% की वस्तु को कितने में 110 में बेचता है, फिर भी 110 / 70 × 100 0 से 0, ये हो जाएगा 1100 / 7, 1100 / 7 ये हो जाएगा 1 4 7 2 28 7 5 35, 7 5 35 5, 7 7 49, 7 7 49, 7 1 7 7 28, तो कितना अधिक करेगा 57.14% अधिक रहेगा, 100 से 157 हो रहा है 57.14,
धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।